हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का टॉपिक, जहाँ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आखिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होता क्या है और इसके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे और कुछ फीचर्स भी हम देखेंगे कि आखिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के फीचर्स क्या होते हैं। देखिए, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एज द नेम सेज, जिसको हम शॉर्ट में PSE भी बोलते हैं, ये आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे आप ईवर्ड्स याद कर लीजिए, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, या फिर कहीं पे आपको नज़र आए PSE, या फिर अगर आपको कहीं पे नज़र आए अगर लिखा हुआ आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, तो इसका मतलब एक ही है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, या फिर आपका PSU या फिर PSE, जो कि शॉर्ट फॉर्म्स बनते हैं। ये सब एक ही व्यक्ति है जिसके अलग अलग नाम हैं, जैसे कि घर में एक बच्चा होता है ना, जिसको कोई कोलू, भोलू, शोलू, टोलू, सब अलग अलग नाम से कहते हैं, सेम विद दिस और दिस वन। ठीक है, इसके चार अलग अलग आपको नाम मिल जाएंगे, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और इन दोनों के शॉर्ट फॉर्म PSEs एंड PSUs। ये वो कंपनीज या वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि ओन्ड एंड ऑपरेट हो रही होती है बाय द गवर्नमेंट या फिर उनकी एजेंसीज द्वारा एट द नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल। यानी कि वो सारी कंपनीज जिसको मैनेज कर रहे हैं, जिसको ओन कर रहे हैं, जिसको ऑपरेट कर रहे हैं गवर्नमेंट या फिर उनकी एजेंसीज। अब ये नेशनल लेवल पे भी हो सकती हैं, स्टेट लेवल पे भी हो सकती हैं, या किसी लोकल लेवल पे भी हो सकती हैं। ये एंटरप्राइजेस जो है इस्टेब्लिश की जाती है ताकि अंडरटेक किए जा सके कमर्शियल एक्टिविटीज़ एंड प्रोवाइड की जा सके गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ये कंपनीज इसलिए खोलती हैं ताकि जो है लोगों को यहाँ पे सर्व किया जा सके, चाहे वो अपने आपको प्रोडक्ट बेच करके हो या सर्विसेज बेच करके हो। तो ये आपकी वो सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ करती हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ जो है यहाँ पे फ्री में चीज़ें बांटेगी, नहीं, इसका मतलब है कमर्शियल एक्टिविटीज़, कमर्शियली एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ यहाँ पे की जाती हैं। कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर कह लीजिए फीचर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी है गवर्नमेंट ऑनरशिप, कि इन कंपनी में PSEs में जो है गवर्नमेंट की ऑनरशिप होती है, एक मैक्सिमम पार्ट ऑफ दी आपका ऑनरशिप जो है वो गवर्नमेंट द्वारा हेल्ड किया जाता है। PSEs या तो होली या फिर पार्शली गवर्नमेंट द्वारा ओन हो सकती है, यानी कि या तो 100% गवर्नमेंट के पास इसका हिस्सा हो या फिर जो है मैक्सिमम मींस मोर देन 51% इन मैक्सिमम एरिया उसमें आपका गवर्नमेंट का हिस्सा हो। अब ये गवर्नमेंट आइदर या तो स्टेट हो सकती है या फिर सेंट्रल हो सकती है या फिर दोनों मिलाकर के हो सकती हैं। गवर्नमेंट टिपिकली यहाँ पे होल्ड करती है एक मेजर स्टेक इन दीज एंटरप्राइजेस, यानी कि मेजरली जो है मेजॉरिटी पार्ट जो है, मेजॉरिटी स्टेक जो है वो गवर्नमेंट के पास होता है, या तो डायरेक्टली हो या फिर जो है गवर्नमेंट की किसी एजेंसी या फिर गवर्नमेंट की खुद की किसी कॉरपोरेशन के थ्रू उसमें या तो उसकी हिस्सेदारी हो। कई बार होता है ना, जैसे कि आप कहते हो कि आपके दादाजी हैं, लेट्स सपोज, ठीक, आपके दादाजी का एक कह सकते हो हिस्सा उनमें, उनके खुद के बेटे में है, यानी कि आपके पिताजी में और फिर आप में। सो यहाँ पे क्या है, उनका हक बन जाता है आप में। सेम गोज़ विद द गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी की कोई कॉरपोरेशन है जिसने किसी और कंपनी में मैक्सिमम स्टेक ले लिया है, तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का भी स्टेक उसमें बन गया है। सो यहाँ पे गवर्नमेंट की हिस्सेदारी उसमें बन गई है और मैक्सिमम हिस्सा उसमें अगर आ गया है तो वो भी गवर्नमेंट की ऑनरशिप में आ जाता है। पब्लिक सर्विस मैंडेट, यहाँ पे PSEs जो है इस्टेब्लिश की जाती है ताकि पब्लिक की सर्विस की जा सके। मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है पब्लिक की सर्विस करना। दे मे ऑपरेट इन सेक्टर सच एस एनर्जी, यहाँ पे वो किस तरीके के सेक्टर में काम कर सकते हैं, एनर्जी के सेक्टर में, या फिर आपका जो है टेली कम्युनिकेशन के सेक्टर में, जैसे BSNL आपका टाइप का है, ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में, जैसे कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन हो गया, ये जो गवर्नमेंट के अंडर सारी आपकी बस सर्विसेज चलती हैं उसमें, हेल्थ केयर में, जैसे कि आपके एम्स हो गया, इस टाइप की जो आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं, आपके हॉस्पिटल्स हैं उसमें, एजुकेशन में, ठीक है, गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं उनका अपना पूरा, जैसे NCERT हो गया, ठीक है, CBSE हो गया, ये सब क्या एजुकेशन के लाइन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और काफ़ी जगहों पे। जो प्राइमरी एम होता है वो ये होता है कि यहाँ पे एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, जो एसेंशियल गुड्स हैं जो कि रोज़मर्रा के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो कि लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं लोगों तक अफोर्डेबल प्राइस में पहुँचाए जा सके। क्यों? क्योंकि अगर पब्लिक सेक्टर का पर्सन इसमें
आएगा तो वो बहुत ज़्यादा मार्जिन डालेगा, वो बहुत ज़्यादा जो है उसमें पैसे डालेगा। जैसे आप चले जाइए पब्लिक स्कूल्स में, मैंने देखा है पब्लिक स्कूल्स में क्या होता है, लोग वहाँ पे आपको होता है कि आप नोटबुक भी हमारी लो, पेन भी हमारी लो, नोटबुक पे जो चिट लगती है नेम चिट वो भी हमसे लो, और वो उसके बदले में उनसे पता नहीं कितने हज़ारों रुपये जो है खींच लेते हैं, और माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है वो क्या करें, क्योंकि इतना महंगाई में बच्चे को पढ़ाना इज राइट नाउ वो भी पब्लिक स्कूल्स में इज़ जस्ट नेक्स्ट अनबिलीवेबल वाला थिंग। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर में यहाँ पे जो है यहाँ पे मैंडेट होता है, साथ ही साथ जो है यहाँ कोशिश की जाती है कि उनको जो है अफोर्डेबल प्राइस में जो है चीज़ें दी जा सके ताकि पब्लिक वेलफेयर को प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट इज सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। पीएससीज का जो है एक ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव जो है प्रॉफिटेबल से बियॉन्ड होता है, प्रॉफिटेबिलिटी से भी बियॉन्ड होता है। इसका मतलब ये नहीं है वो प्रॉफिट नहीं कमाते, कमाते हैं, बट उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है या वो कह सकते हैं वो प्रॉफिट से भी परे होकर के कुछ चीज़ें देखते हैं, जिसमें उनको जो है सोशल वेलफेयर, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, एक रीजनल डिस्पैरिटीज़ का ब्रिज बनाना, सपोर्ट करना इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कि भैया अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए पढ़ा देते हैं कम, उनको थोड़ा सा हम सपोर्ट कर लेंगे, एंड एड्रेस करना स्पेसिफिक सोसाइटल नीड्स को। तो यहाँ पे सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी आपके होते हैं। गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रेगुलेशंस, पीएससीज जो है वो सब्जेक्ट होते हैं गवर्नमेंट के कंट्रोल एंड रेगुलेशंस में। ठीक है, यहाँ पे आपका गवर्नमेंट का यहाँ पे एक हिस्सा होता है, गवर्नमेंट का यहाँ पे एक आप कह सकते हो इंटरेस्ट होता है। जैसे आपने सुना होगा एनसीईआरटी से गवर्नमेंट ने ये चीज़ें हटवा दी, वो हटवा दी, ऐसा लोग बोलते हैं। जैसे कि आपने अभी रिसेंटली सुना होगा योगी जी ने कोई एक चैप्टर हटवा दिया, ठीक है, एनसीईआरटी से, या फिर उनकी जो बुक्स पढ़ाई जाती थी वहाँ पे। तो इसलिए ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल और रेगुलेशन होता है पीएससीज में, जो कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, जो कि पब्लिक के लिए पब्लिक गवर्नमेंट का स्टेक इसमें ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है पॉलिसीज़ बनाने में, डिटरमाइन करने में कि क्या स्ट्रेटजीज होंगी, क्या डायरेक्शंस होंगे, अपॉइंट किया जाता है टॉप मैनेजमेंट, साथ ही साथ मॉनिटर किया जाता है परफॉर्मेंस को, जो भी उस एंटरप्राइजेस की परफॉर्मेंस हो रही है, ओवरसाइट किया जाता है, एक एक्सरसाइज टू इंश्योर उनकी अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे, साथ ही साथ पब्लिक का इंटरेस्ट भी जो है उसमें कंप्लीट होता रहे। नेक्स्ट इज़ योर फाइनेंशियल सपोर्ट। पीएससीज जो है फाइनेंशियल सपोर्ट भी लेती हैं गवर्नमेंट से, क्योंकि अगर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं लेंगे तो ये बिल्कुल लॉस में चले जाएंगे। पीएससीज का अभी हमने डिस्कस किया कि वो प्रॉफिट से बियॉन्ड देखती हैं, और उनका मेन मकसद क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो हमारी सोसाइटी में गैप बन चुका है उनको कम्प्लीट किया जा सके, लोगों को जो है सही चीज़ें जो कि एक एसेंशियल आइटम्स हैं उन वो सारी एसेंशियल आइटम्स सही दामों पर उनको मिल सके और वो सब उसको खरीद सके, उन सबको चाहे वो प्रोडक्ट हो या कोई सर्विस हो। तो यहाँ पे अब बहुत ज़रूरी है इन कंपनीज़ को भी फाइनेंशियली सपोर्ट मिलना, तो इसीलिए पीएससीज जो है यहाँ पे फाइनेंशियली सपोर्ट लेती हैं या फिर गवर्नमेंट इनको फाइनेंशियल सपोर्ट देती हैं। कई बार अगर आप बजट सुनोगे तो वहाँ पे बोला जाता है कि हम एजुकेशन सेक्टर में इतना खर्च कर रहे हैं। अब ये जो एजुकेशन सेक्टर में इतना खर्च कर रहे हैं वो खुद जा कर के नहीं कर रहे हैं, यही पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो है ये कहीं ना कहीं किसी एक एंटरप्राइजेज को जिसका मकसद यहाँ पे एजुकेशन की लाइन में है उसको ये सपोर्ट दिया जा रहा है ताकि लोगों तक ये सपोर्ट पहुंच सके। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बजट में भी अमाउंट इनके लिए अलग से रिजर्व रखे जाते हैं ताकि इनको फाइनेंशियली सपोर्ट दिया जा सके पीएससीज को, और ये सारे जो है फाइनेंशियल कहीं ना कहीं बेटर रूप में जाकर के नॉर्मल पीपल को, हम जैसों को मिले। तो यहाँ पे सब्सिडीज में इंक्लूड होती है, कैपिटल इंजेक्शंस में इंक्लूड होता है, साथ ही साथ एक्सेस टू प्रोफेशनल फाइनेंसिंग भी इंक्लूड होती है। यहाँ पे सपोर्ट मिलता है ताकि इन सारी कंपनीज़ को ठीक तरीके से ऑपरेशन कर सके, जो भी इनके आपके और साथ ही साथ जो है पब्लिक सर्विस के जो ऑब्लिगेशन है उसको कंप्लीट कर सके, स्पेशली इन सेक्टर वेयर प्रॉफिटेबिलिटी मे बी चैलेंजिंग, और खासकर ऐसी जगह पे जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी चैलेंजिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर रिलेशन। यहाँ पे जो है पीएससीज में सर्व किया जाता है एक मेजर एम्प्लॉयर्स को, यहाँ पे पीएससीज में बहुत सारे एम्प्लॉयर्स इंक्लूड हो जाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि उनका काम कर रहे हैं। यहाँ पे ऑफर की जाती है जॉब्स, अपॉर्चुनिटीज, स्टेबिलिटी, ताकि जो है एक सिग्निफिकेंट वर्कफोर्स बना रहे, एंड दे मे हैव स्पेसिफिक रेगुलेशन गवर्निंग लेबर रिलेशंस। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक रेगुलेशंस होते हैं जो कि आपके लेबर रिलेशनशिप से रिलेटेड होते हैं, वेजेस से होते हैं, बेनिफिट से होते हैं, और यहाँ पे ये जो है सारे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के।
नेक्स्ट इज मिक्स्ड परफॉर्मेंस. द परफॉर्मेंस ऑफ पीएससी जो है वो वाइडली हो सकती है. कुछ पीएससीज जो है ऑपरेट करती हैं इफेक्टिवली एंड कंट्रीब्यूट करती है पॉजिटिवली इन इकोनॉमी. आप अगर उठा करके देखोगे कई पीएससीज ऐसी हैं जो कि एक आप कह सकते हो प्रॉफिट में है, अच्छी प्रॉफिट में है, और कुछ पीएससीज ऐसी हैं जो कि प्रॉफिट में नहीं है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ, अगर हम बात करें एयर इंडिया की, एयर इंडिया गवर्नमेंट के पास थी, ठीक है, तो वहाँ पे क्या था, वो बहुत लॉस मेकिंग कंपनी थी, लॉस मेकिंग हो रही थी, इसलिए गवर्नमेंट ने उसको जो है डिसइन्वेस्टमेंट करके बेच दिया. भैया इतना भार क्यों उठाना, व्हेन वी नो वी कैन यूज़ दिस अमाउंट जो कि हमारे पास है, जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, किसी और जगह पर बेटर जगह पर यूज़ कर सकते हैं. वाई शुड वी जस्ट इन्वेस्ट इट इन दिस पर्टिकुलर एरिया. ठीक है, पता है एयरलाइंस में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है भैया, नहीं हमें खर्चा करना यहाँ पे. तो उन्होंने वापस उसको जो है टाटा ग्रुप उसको बेच दिया. टाटा ग्रुप मतलब उन्होंने नहीं बेचा, बोली लगी थी प्रॉपर तरीके से और टाटा ग्रुप ने वापस उसको ले लिया. तो हम यहाँ पे जो है मिक्स परफॉर्मेंस हो सकती है कि कोई आपकी एंटरप्राइजेस बहुत लॉस में हो, कोई आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रही हो. तो यहाँ पे जो है कई सारे चैलेंजेस होते हैं, कई सारे इनएफिशिएंसीज होती हैं जिसकी वजह से, या फिर ब्यूरोक्रेटिकल हर्डल्स होते हैं, या फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होते हैं, लैक ऑफ ऑटोनॉमी होती है जिसकी वजह से लॉस हो रहा हो सकता है. एफर्ट्स टू इम्प्रूव गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस are often undertaken to enhance their performance. अब यहाँ पे क्या है, एफर्ट्स लगाए जाते हैं ताकि इम्प्रूव किया जा सके गवर्नमेंट्स एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो कि आपकी अंडरटेक करती है ये सारी, ताकि ये सारी परफॉर्मेंसेस एनहांस हो सके. प्राइवेटाइजेशन एंड रिस्ट्रिक्टिंग, यहाँ पे कुछ केसेस में क्या होता है, गवर्नमेंट जो है डिसाइड कर सकती है प्राइवेटाइज करना, जो कि अभी रिसेंटली हो रहा है. ये बहुत अच्छी चीज़ हो रही है, बहुत जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बनके जो अकड़ आ जाती है ना लोगों में कि हम तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गए हैं, अब हमारे काम करें ना करें लाख रुपये सैलरी लेंगे, तो उस सिचुएशन में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे जो है प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है काफ़ी चीज़ों का, क्योंकि गवर्नमेंट समझती है कि हम ये कंपनीज चलाने नहीं बैठे हैं. गवर्नमेंट जो है हम चुनते हैं ताकि वो देश चला सकें, जो कि है चीज़ें कर सके, काम कर सके, ना कि इसलिए सुनते हैं कि भैया वो बैठ करके बिजनेस करें, धंधा करें. तो कई सिचुएशन में ये चीज़ भी लोगों के द्वारा बोली जाती है कि हमने धंधा करने के लिए नहीं बिठाया गवर्नमेंट, हमने काम करने के लिए नहीं बिठाया, मतलब बिजनेस करने के लिए नहीं बिठाया गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाने चाहिए ताकि हम बिजनेस ठीक तरीके से कर सकें. हम बैठे हैं, हम बिजनेस कर लेंगे, तुम बाकी चीज़ें हमें प्रोवाइड कराओ. ठीक है, तो ये चीज़ों लोगों द्वारा बोली जाती है. तो प्राइवेटाइजेशन जो है क्या किया जा रहा है कि जो कंपनीज गवर्नमेंट के हिस्से में अभी हैं, जो जिसमें गवर्नमेंट का हिस्सा है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसमें से अपने पैसे निकाल करके उसको बाहर खुला छोड़ दिया है कि जिसको इन्वेस्टमेंट करनी है आओ और इसमें करो, और इसमें जो है आपका जो भी आप कह सकते हो कि पैसे अब गवर्नमेंट के पास इसमें हर साल लगते थे वो कहीं और बेटरमेंट में लगाएगी. तो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन की जा रही है, गवर्नमेंट जो है डिसाइड करती है प्राइवेटाइज करना या फिर रीस्ट्रक्चर करना पीएसयू का, ताकि जो है उनकी ऑनरशिप स्टेक उसमें से कम हो जाए और साथ ही साथ जो है न्यू प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन उसमें आए. तो दिस इज़ ऑफ्टन ड्यू टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, या और उसमें जो है एफिशिएंसी बढ़े, इंट्रोड्यूस हो, कॉम्पिटिशन इंट्रोड्यूस हो, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो, साथ ही साथ ओवरऑल परफॉर्मेंस भी बढ़े. तो इस तरीके से यहाँ पे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सिग्निफिकेंट इकोनॉमी, ताकि कैसे एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करके, सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके, कंट्रीब्यूट करके एम्प्लॉयमेंट में, इकोनॉमी ग्रोथ करके और बाकी सब चीज़ों से. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. कितने तरीके के आपके पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हो सकते हैं. सबसे पहला, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑन एंटरप्राइजेस. ऐसे आपके डिपार्टमेंट जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं या फिर मिनिस्ट्री ऑन एंटरप्राइजेस हैं, ये आपके पीएससीज होते हैं जो कि ऑपरेट हो रहे होते हैं एज अ डिपार्टमेंट, और इसका जो एक आर्म होता है वो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री होती है, और ये डायरेक्टली ओन्ड किए जाते हैं एंड कंट्रोल किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट एंड आर टिपिकली इस्टेब्लिश टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन और प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज, जैसे कि पब्लिक हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, पोस्टल सर्विस हो गई, ये आपका जो है इंडिया पोस्ट ऑफिस वाले जो सब पोस्ट पूरा स्ट्रक्चर है, और या फिर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन. अब ये सब क्या है, ये ऐसे पीएससीज हैं जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आप कह लीजिए, गवर्नमेंट के पूरे डिपार्टमेंट के पास होते हैं या फिर किसी मिनिस्ट्री के पास होते हैं, जैसे किसी फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास, डिफेंस वाला आपका हो सकता है डिफेंस मिनिस्ट्री के पास हो. तो इस तरीके से इनका पर्टिकुलर जो स्टेक होता है किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के पास होता है. नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन ऐसे पीएससीज होते हैं जो कि एस्टैब्लिश हुए हैं किसी
किसी एक स्पेसिफिक लिटिगेशन या फिर स्टेटस द्वारा इसके लिए पूरा एक लॉ बनाया गया, एक पूरा एक्ट पास किया गया और उसके बाद ये एक्सिस्टेंस में आया। इनकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और ये गवर्न किए जाते हैं बाय द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ अ मैनेजमेंट टीम। एक मैनेजमेंट टीम होती है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उसके द्वारा ये गवर्न किए जाते हैं। ये कॉर्पोरेशंस हो सकते हैं जो कि वेरियस सेक्टर में ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एनर्जी हो गया, टेली कम्युनिकेशन हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, यहाँ पे जैसे नेशनल एयरलाइन है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स हैं या फिर आपके नेशनल ऑयल कंपनीज हैं, ये इसके एग्जांपल में आ जाते हैं। नेक्स्ट इज पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज ये उस तरीके के पीएससीज होती हैं जो कि स्ट्रक्चर्ड होती हैं एक पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की तरह। यहाँ पे कंपनीज के शेयर्स जो हैं वो गवर्नमेंट द्वारा हेल्ड किए जाते हैं या फिर उसकी एजेंसी द्वारा हेल्ड की जाती हैं। ये ऑपरेट करती है सेम लीगल फ्रेमवर्क के साथ जो कि एक प्राइवेट कंपनी करती है। जिस तरीके से प्राइवेट कंपनी का फ्रेमवर्क होता है, लीगल फ्रेमवर्क होता है, वैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी का लीगल फ्रेमवर्क होता है, बट यहाँ पे गवर्नमेंट का जो है मेजॉरिटी स्टेक होल्डर होता है, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट में वो नहीं होता बट पब्लिक में होता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो है एंगेज हो सकती हैं वाइड रेंज ऑफ सेक्टर्स में, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट में, फाइनेंस में या टेलीकम्युनिकेशन में। जॉइंट वेंचर। पब्लिक सेक्टर जो है जॉइंट वेंचर इन्वॉल्व होता है कोलैबोरेट करना बिटवीन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज़। लेट्स सपोज एक गवर्नमेंट की एंटिटी है, प्राइवेट सेक्टर है और एक पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ है, जब वो दोनों मिलकर के जॉइंटली वेंचर काम करते हैं, इस केस में जो गवर्नमेंट होल्ड करती है एक सिग्निफिकेंट स्टेक उस वेंचर में, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्ट किसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के थ्रू, तो वहाँ पर जॉइंट वेंचर को आप कह सकते हो कि ये कैन बी फॉर्म्ड फॉर वेरियस पर्पस, ठीक है। यहाँ पे जो है गवर्नमेंट का उसमें हिस्सा हो सकता है या तो डायरेक्टली या फिर जो है उस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के थ्रू। अब जॉइंट वेंचर बनाया जा सकता है किसी भी पर्पस के लिए, कि भैया कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाना है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करनी है, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन करने हैं, उस वजह से। स्पेशल पर्पस व्हीकल जिसको SPVs कहते हैं, ये ऐसी एंटिटीज़ होती हैं जो कि क्रिएट की जाती हैं किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए या फिर इनिशिएटिव्स के लिए। ये ऑफ्टन यूज़ की जाती हैं इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, पार्टनर होती है किसी प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ और साथ ही साथ अंडरटेक करती है एक लार्ज स्केल का प्रोजेक्ट, जिसमें स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है एक सेपरेट लीगल स्ट्रक्चर होता है, फाइनेंशियल अरेंजमेंट की जाती हैं, मैनेज किए जाते हैं प्रोजेक्ट रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है एक स्पेशल टाइप की PSCs होती है जो कि प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल सर्विसेज और सपोर्ट करती है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। ये फोकस करती है उस एरिया में जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंसिंग के रिलेटेड होता है, हाउसिंग फाइनेंस के रिलेटेड होता है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस के लिए के फाइनेंस से रिलेटेड होता है और साथ ही साथ हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन से रिलेटेड होता है। यहाँ पर डेवलपमेंट बैंक या फिर हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है इसके एग्जाम्पल है। हाउसिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एक कंपनी है जो कि इस डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की एक एग्जाम्पल है। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस वो PSCs हैं जो कि फुल्ली या फिर मेजर जिसका जो पार्ट है वो एक नेशनल या स्टेट लेवल की गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। ये आपका ऑपरेट होता है वेरियस सेक्टर्स में, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में, माइनिंग में, यूटिलिटीज़ में, सर्विसेज में। SOEs यानी कि स्टेट ओन एंटरप्राइजेस जो है इनका डाइवर्स होता है लीगल फॉर्म्स में, रेजिंग होती है इनकी कॉरपोरेशन टू पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में, ठीक है। सो ये था गाइज आज का हमारा टॉपिक जहाँ पे हमने डिस्कस किया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के बारे में। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।